दोस्तों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार में पत्रकार का सीजन 2 आप इस वक्त सुन रहे हैं एबीपी पॉडकास्ट पर। और आज एक ऐसी शख्सियत आपके बीच में है इस खासकर खेल के माहौल के बीच में, जब खेलों का महाकुंभ ओलंपिक चल रहा है, इस बीच में मैं एक ऐसी शख्सियत का परिचय आपसे करवाने वाला हूं जो न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि खेल के मैदान में भी लोगों के रगों में ऐसा खून दौड़ाता है जिसकी आवाज सुनकर, जिसके गीत सुनकर, जिसके बोल सुनकर आप वाकई में आपको लगने लगेगा कि काश मैं भी अगर 100 मीटर में दौड़ रहा हूं तो मैं भी आज मेडल ले लेता, मैं भी आज पोडियम फिनिश करता। साडा हक की वो बात करते हैं, कुन फाया वो गाते हैं, रॉक स्टार में अगर रणबीर कपूर हिट हुए तो उसकी बहुत बड़ी वजह, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे साथ हैं। अब तक आप पहचान गए होंगे, मोहित चौहान, जाने माने सिंगर परफॉर्मर, हिंदुस्तान की सबसे मीठी आवाजों में से एक, आज हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए एबीपी पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, थैंक यू सो मच मोहित। चलिए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ, और क्योंकि ओलंपिक का चल रहा है और हमने आपका वो थीम सॉन्ग सुना है जो आपने टीम इंडिया को चीयर करने के लिए बनाया है, #cheerforindia, उस गीत के बारे में कुछ बताइए, वहीं से शुरू करते हैं इस बातचीत को। ये जो एंथम मैंने बनाया है इसका नाम है तू ठान ले, और इसको हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ऑफिशियल एंथम डिक्लेयर किया। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, उन्होंने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था ऑफिशियल एंथम के लिए। और जब मुझे ये कहा गया बनाने के लिए तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई एक्चुअली, बिकॉज इतने बड़े जो इवेंट है, जो ओलंपिक्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और सबसे एंशंट भी है और सबसे प्रेस्टिजियस भी है, तो ऐसे एक खेल का इवेंट जो है, जो वर्ल्ड इवेंट है, उसमें मुझे मौका मिलना कि मैं हिंदुस्तान की टीम को जोश दिलाने के लिए और हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है जो पूरे खिलाड़ियों के सपोर्ट में है, चीयर करेगी उनके लिए, कर रही है, उन सबको ये संगीत के जरिए ये बताने के लिए भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका क्या स्पिरिट होता है और उनको अपना लक्ष्य पाने के लिए क्या, वो कैसे वो जोश में आते हैं, वो मैंने अपने गाने में, एंथम में, ओलंपिक एंथम जो है उसमें जाहिर करने की कोशिश करी है, और उसके लिरिक्स लिखे हैं प्रार्थना गहलोत ने, और गीत का नाम है तू ठान ले, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनका जो किसी भी स्पोर्ट में हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे आर्चरी हो, चाहे हॉकी हो, वो जो एक लक्ष्य पे जो एक नजर रहती है उनकी और उनका जो फोकस रहता है, वो उस फीलिंग को मैंने उसमें जाहिर करने की कोशिश करी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी कि उन्होंने इस गीत को ऑफिशियली डिक्लेयर किया एंथम, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ये गीत बहुत अच्छा लगा, और मैं होप करता हूँ कि इस बार ओलंपिक्स में हमारी टीम जो है, बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट गया है इस बार, 27 प्लेयर्स का, सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से अब तक का, तो मेरी बहुत उम्मीद है कि इस बार हम पहले से, जितना भी पहले हमारा परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स में, उससे कहीं कहीं ज्यादा हम लोग मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल हो, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो टॉप के जो तीन होते हैं वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा है। तो ये एंथम जो है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस एसोसिएट हो पाया ऐसे इतने बड़े इवेंट के साथ। मोहित, आपने जो बातें कही हैं सुन के जाहिर तौर पर तमाम खिलाड़ियों का मोराल बूस्ट होगा, और लेकिन मोहित चौहान सिर्फ बोल के विश करें कैसे काम चलेगा, एंथम आपका अच्छा। है, प्रार्थना ने लिखा है। जस्ट टू लेट यू नो, एक पुराने संस्थान में प्रार्थना और मैं एक साथ काम भी कर चुके हैं, एक वो कनेक्शन भी है, तो मैं ये साडा हक मांगते हुए आपसे कहता हूँ कि गुंजा तो दीजिए। ठीक है जी, मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूँ इसकी जी।
तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के आना, यही जी। तो आई होप कि ये वाले ओलंपिक्स हिंदुस्तान के लिए एक नया इतिहास लिखेंगे। बिल्कुल जी, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, आप जब बचपन में, जवानी में आप किसी गेम से जुड़े हुए रहे, कोई गेम खेलते थे? हाँ, मैं शौकिया, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था जी, तो शौकिया में खेलता था। जो मेरे कई मेरे बहुत जो खास मेरे मित्र थे वो लोग तो यूनिवर्सिटी की टीम्स में, एक मेरा दोस्त था वो यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा है 3-4 साल, और मेरे और दोस्त थे जो बॉक्सर्स थे, एथलेटिक्स करते थे, तो मैं उनके साथ मस्ती करता था, फुटबॉल खेलता था, शाम को हॉस्टल में पढ़ रहा था धर्मशाला में, और कभी कभी वो खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे अपने हॉस्टल के कोर्ट यार्ड में। तो और मेरी स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनके साथ काफी उठना बैठना रहता था, तो स्पोर्ट्स का माहौल था, लेकिन मेरा हमेशा से रहा कि मैं उसको नहीं, उसमें कम्पीट नहीं किया मैंने, लेकिन मस्ती में खेलने का मुझे अभी भी शौक है, वैसे मुझे अच्छा लगता है। तो विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, सबसे अच्छा स्पोर्ट कौन सा है आपका? देखिए, सबसे तो मुझे अच्छा लगता था फुटबॉल एक्चुअली खेलने में, हालांकि फुटबॉल थोड़ा टफ होता है, फुटबॉल में काफी भागदौड़ करनी पड़ती है तो एक टाइम जब मुझे लगा कि यार थोड़ा स्टैमिना, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था कि मैंने बोला यार इसमें, और मेरे 4-5 दोस्त थे, हम लोग 5-5, 6-6 घंटे टेबल टेनिस खेलते थे। यू नो विनर, जैसे उसमें गेम होता था हमारा, विनर्स टू कंटिन्यू, तो अगर आप गेम जीत गए तो फिर आप वहीं रहेंगे, नेक्स्ट आदमी चेंज हो जाएगा, तो यू कीप प्लेइंग टिल यू विन। शर्त लगा के भी खेलते थे, भाई आज तू चाय पिला देना, आज तू समोसे खिलाना, आज हम समोसे के साथ गुलाब जामुन खाएंगे, जो जो हारेगा वो खिलाएगा, तो मस्ती होती थी, तो उसमें अच्छा लगता था, मुझे खेलना अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास एक आइडिया था आपके लिए, हम और आप पहले नहीं मिले, आप फुटबॉल में गोलकीपर बन सकते थे, उसमें भी दौड़ना नहीं पड़ता है। हाँ, पर उसमें डाइव मारना पड़ता है, बहुत बड़ा। Going ahead, मोहित, तो वो कहाँ हॉस्टल का फुटबॉल, बास्केटबॉल, और कहाँ म्यूजिक का? म्यूजिक कब से आपने शुरू किया गीत गाना, कब से आपको लगा कि आप म्यूजिक में, इस संगीत की दुनिया में भी आपको मुकाम बनाना चाहिए? सुमित, उसमें ऐसा होता है कि संगीत जो है वो तो भगवान की देन होती है जी, वो जिसको गॉड गिफ्ट बोलते हैं, वो पैदाइशी होता है कुछ लोगों में, तो मैं उनमें से एक हूँ, मुझे भोलेनाथ जी ने यू नो बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ तब से संगीत का मुझे उन्होंने एक वो दिया, मुझे अंदर से एक सीड, और जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं गीत गाया करता था क्लासरूम में, स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में, और बल्कि मेरी नेचर हमेशा ऐसी रही थोड़ी कि मैं मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं ज़्यादा लाइमलाइट में आऊँ जी, तो बहुत सारे फंक्शंस में मुझे बोलते थे कि यार तू गीत गा दे यार आज एक शाम को, तो मैं बोलता था नहीं नहीं यार मैं गीत नहीं गाऊंगा आज, मैं बिजी हूँ थोड़ा, और मैं फिर फंक्शन देखने के लिए पहुंच जाता था फंक्शन में, क्योंकि वहाँ और लोग कुछ थिएटर कर रहे होते थे, गाना गा रहे होते थे, तो अगर किसी की नज़र ऑर्गेनाइजर की मुझ पर पड़ जाती थी कॉलेज में, तो वो बोलते थे अरे अरे मोहित चौहान ये फंक्शन में आया भाई, इसको गाना गवाओ, तो मैं वहां से ना भाग जाता था, मैं फिजिकली भाग जाता था वहां से, और तो मेरा संगीत जो बचपन से मेरे साथ था, और मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली म्यूजिक की, मैंने साइंस पढ़ा है कॉलेज में, और फिर मैंने मास्टर्स भी साइंस के एक सब्जेक्ट में किया, जियोलॉजी में, तो संगीत जो था वो एक नेचुरल मुझ में रहा हमेशा, और बचपन से कभी मैं, जैसे कभी रेडियो पे गाने आते हैं तो मैं किशोर कुमार साहब का गाना आ रहा है तो मैं उसके साथ गुनगुना रहा हूँ, और यू नो तो ऐसा लगता था, मुझे लगता था मैं भी गा पाता हूँ थोड़ा, और अच्छा लगता था मुझे उसको एक्सप्रेस करना, तो वो मेरे लिए एक टूल, मुझे एक टूल बन गया था मेरे लिए, मेरा संगीत मेरे सुकून के लिए एक्चुअली, तो अकेले मित्रों में बैठ के, कहीं 2-4 दोस्तों में, जंगल में बैठ के गाना गाना 4-4 घंटा 5-5 घंटा,
तो वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाऊंगा ये मेरे जहन में बात एक्चुअली में बहुत लेट आई एक्चुअली। और जब ये मुझे लगा कि मैं संगीत प्रोफेशनली कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, उससे पहले मुझे थिएटर में बहुत शौक था एक्चुअली, तो मैं थिएटर करने लग गया था कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। और मैंने NSD जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उनकी भी थिएटर वर्कशॉप्स भी अटेंड करी, और एक टाइम मुझे लगता था मैं शायद एक्टिंग करूंगा, लेकिन फिर एक्टिंग का कोशिश नहीं करी मैंने कहीं जाने की ना ट्राई करने के लिए, खाली ख्वाब यू नो होते हैं जैसे यंग एज में, तो आदमी मैं शुरू से वैसा था थोड़ा डे ड्रीमिंग, ख्वाब देखना, दिन में ख्वाब देखना वो मेरी आदत रहती थी। तो ख्वाब रहते थे भाई मैं एक्टिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फौज में जाऊंगा। और क्योंकि मैं जियोलॉजी पढ़ रहा था, मेरे मित्र मुझे बोलते थे कि आप ONGC में चले जाओ या आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में चले जाओ, क्योंकि मुझे नेचर का बहुत शौक था, ट्रैकिंग करने का, टेंट लगा के जंगलों में रहने का। तो सब लोग बोलते थे फौज में जाओ तो एडवेंचर की लाइफ रहेगी, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाओ तो आप सब जगह ट्रैवल करते हो, हिमालयाज में, ग्लेशियर्स में। तो ये सब रहा मेरा, तो लेकिन कहीं पर भी वो बना नहीं उतना, भाई फौज में भी नहीं कोशिश करी मैंने उतनी सीरियसली, ना ही बाकी जगह करी। और फिर फाइनली ऐसा हुआ मुझे कि एक दिन मैं दिल्ली आया हुआ था, तो दिल्ली में फिर एक मेरा मित्र मुझे मिला बड़ा पुराना, उसने मुझे एक कहा कि भाई तुम एक कुछ जिंगल बनाओगे ऐसा, तुम तो गाना वाना गाते हो, गाना कंपोज भी करते हो। तो मैं स्कूल कॉलेज में, कॉलेज तक मैं गाना कंपोज करने लग गया था अपना, अपने फील के लिए, अपनी मस्ती के लिए। तो कहता है यार मैंने सुना है तुम्हारा कुछ जैम सुना है मैंने एक टेप रिकॉर्डर पे, तुमने जैम टेप किया हुआ है दोस्तों के साथ, तो तुम तो संगीत कर सकते हो, तो तुम करना चाहोगे? तब फिर मैंने बोला हाँ चलो मैं ट्राई, क्योंकि पैसा चाहिए था जेब में, मैं दिल्ली में आया हुआ था, अपने कजन के घर में रह रहा था, तो मुझे लगा यार जेब में पैसे भी चाहिए, रोटी पानी कैसे कमाएगा आदमी, और हिमाचल में भी माता पिता बोलते थे भाई अब MSc भी हो गई है और ट्रैकिंग भी बहुत हो गई है, पहाड़ों में बहुत घूम लियो, अब कुछ पैसा वैसा कमाइए। तो मुझे लगा चलो कुछ चेक मिल जाएगा, तो मैंने फिर एक जिंगल बनाया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, हिट हो गया। फिर दूसरा जिंगल बनाया, तीसरा, बस फिर वो मुझे लगा कि अब संगीत जो है जो अपने अंदर बचपन से रहा है, और उसमें मुझे अच्छा भी लगता था, गीत बनाना अच्छा लगता था, गीत लिखना भी अच्छा लगता था, गाना, और मैं माउथ ऑर्गन, गिटार, पर्कशन ये सब बजाने लग गया था स्कूल कॉलेज से ही। तो फिर मुझे मेरे कहा ये तो मुझे वो चीज मिल गई है जो मेरे सुकून की चीज है, मतलब जिसको मैं हमेशा अपनी आत्मा के साथ जोड़ के रखता था। तो फिर मेरा वो, फिर मैं कमाना शुरू कर दिया, मतलब म्यूजिक से प्रोफेशनल लाइन में आ गया, एडवर्टाइजिंग का काम किया। जी आपने आपने कभी म्यूजिक कभी सीखा नहीं? नहीं सीखा, बिल्कुल भी नहीं सीखा है। अच्छा, सब इंस्टिंक्टिव? हाँ, मुझे कोई मतलब मैं म्यूजिक ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। संगीत जैसे लोग लिखते हैं ना, नोटेशन लिखते हैं लोग, या गाने को ट्रेंड होते हैं लोग, भाई इसमें ये सारे गा मापा, ये सरगम है, ऐसा है, वैसा है, मैंने कुछ नहीं सीखा कभी। तो मैंने जो भी मैंने कान से सुना, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था हिमाचल में, तो एक तो संगीत बहुत सारा हम लोग सुनते थे रेडियो पर, क्योंकि उन दिनों कंप्यूटर नहीं था और ना ही ये CDs थे, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट तो नहीं था बिल्कुल भी। तो या तो चित्रहार आता था एक दूरदर्शन पर हफ्ते में एक बार, और या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे गाने के प्रोग्राम आते थे, फौजी भाइयों की फरमाइश, और रात को छाया गीत करके कार्यक्रम आता था, और तो पुराने गाने, फिल्मी गाने। अच्छा, फिर फ्राइडे सैटरडे को ऑल इंडिया रेडियो पे अंग्रेजी गानों के भी कार्यक्रम आते थे, जिसमें वेस्टर्न जो स्टार्स हैं, रॉक म्यूजिशियंस हैं, ब्लूज हैं, जैज हैं, उन सब के गाने आते थे, वो सुनते थे हम लोग बहुत शौक से, और गजलें सुनते थे। और फिर कैसेट्स का जमाना आ गया, फिर थोड़ा म्यूजिक और सुनने लगे, और बाकी फोक म्यूजिक जो हिमाचल में जब मैं वाज ग्रोइंग अप, तो वहाँ बहुत सारा जो फोक म्यूजिक होता है हमारा, शादी में, ब्याह में, हर जगह पे आपको लोक संगीत सुनने को मिलता है। तो वो सब जो संगीत कान से सुना, बस वो आत्मा में अंदर बैठ गया, क्या बात? और उसी से मेरा जो संगीत का मेरी समझ है, संगीत को मैं जो भी मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ या उसमें मैं ट्राई करता हूँ, भी मैं गीत में कुछ एक फील जैसे आता है, अदायगी जो होती है, आप गीत को कैसे गाएंगे, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो वो चीज़ें बस सुन सुन के, जो मास्टर्स थे
जैसे किशोर कुमार साहब को तो मैं तो गुरु समझता हूँ हिंदी फिल्म में, उनका तो सिलेबस में होना चाहिए पढ़ाई के, प्लेबैक सिंगिंग जो होता है वो कैसे होता है। क्या बात। तो मैंने पढ़ाई तो कुछ नहीं करी, लेकिन वो सुन सुन के जो था आत्मा में जहन में बैठा, और वो ही मेरा लर्निंग रहा, मतलब कि संगत जिसको बोलते हैं, कि कहीं बाबा लोग बैठे हैं, आप साथ में बैठ गए, तबला बज रहा है, कोई लोग गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी गुनगुना रहे हैं, लेकिन जब आप घर जा रहे हैं तो वो तबले की जो चाल है और वो जो गायन जो हो रहा था उसमें, कैसे वो गिर रहा है उठ रहा है, वो एक जिसको बोलते हैं सहज जो तरीका होता है वो दिल में बस जाता है, तो वो मेरा नॉलेज रहा एक्चुअली, बस मैंने सीखा तो नहीं। आप जो आप कह रहे कि सुनते हैं आपकी मन में आत्मा में वो धुन बस जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने कोई नहीं सीखे कभी, गिटार माउथगन, आपकी आपकी कभी म्यूजिक नहीं। सुन के लगता है कि आप जानते हैं सब चीजें प्ले करना। हाँ मतलब कि मैंने जो भी, मैं अभी जैसे मैं गिटार बजाता हूँ, मैं अकूस्टिक मोस्टली बजाता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक भी थोड़ा बहुत बजाता हूँ, माउथगन बजाता, माउथगन तो मैंने स्कूल में बजाना शुरू कर दिया था, तो वही मैं जैसे कह रहा था ना, वो एक गॉड गिफ्ट जो होता है, एक भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे के भेज दिया, तो मुझे सुर जैसे माउथगन बजाता है, अभी माउथगन सिखाने का तो कोई स्कूल भी नहीं होता एक्चुअली। आप गिटार फिर भी सीख सकते हैं, भाई उंगली दिखती है, भाई आप यहाँ से इस तार को दबाइए, इसको दबाइए, ये ए कॉर्ड है, ये बी कॉर्ड है, माउथगन तो ऐसा नहीं, तो माउथगन तो जो आपने सुना है, आप जब कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वो जी जो आपने सुना है आपके जहन में बैठा है उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया एकदम से आवाज निकाल के, तो वो एक नेचुरल था, तो कभी नहीं सीखा मैंने पर्कशन, जैसे मैं कोई तबला लोग बजा रहे होते थे। हाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे मैं साइंस पढ़ रहा था तो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज के ना, आपको मालूम होगा, तो यूथ फेस्टिवल्स में डिफरेंट कॉलेजेस की टीम्स जाती हैं, जो कि लाइट म्यूजिक में, गजल गाने में, क्लासिकल में, फोक गाने में, वो सब कंपटीशन होता है, फिर मेडल मिलता है। तो मैं साइंस पढ़ता था जी लेकिन फिर भी मेरे कॉलेज से मुझे बुलाया जाता था, जो हमारे म्यूजिक के लेक्चरर थे कॉलेज में, वो मेरे क्लासरूम में भेजते थे बंदे को कि यार उसको बुला के ला, और मैं आता था, बोलते यार कंपटीशन आ गया है और तुझे एक गजल गानी है, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, मुझे लगता था भाई आपके इतने सारे संगीत के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, वो सब जानते हैं संगीत, उनसे आप क्यों नहीं गाते, तो बोलते थे नहीं वो बहुत अच्छा गाते हैं यार, पर तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है तो तू करेगा करेगा, तो मैं बोलता था चलो आप बोलते हो तो मैं कर देता हूँ, तो ऐसा होता था, तो मुझे बहुत वो अटपटा भी लगता था, मुझे बहुत एम्बैरसिंग लगता था कि ये सब लोग सीख रहे हैं और ये इनको नहीं गवा रहे और मुझे गवा रहे हैं, तो कई बार मैं आनाकानी भी करता था, तो वो होता है सब, तो एक नेचुरल जो होता है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया और वो कैसे आ जाता है, पर बचपन से, जब से मैं बहुत छोटा बच्चा था 4-5 साल का, तब से नेचर का शौक था और संगीत का शौक था, क्या बात। और हाँ बस वो सहज ही एक आर्टिस्टिक नेचर थी मेरी, तो जैसे मैं नेचर में भी बहुत घूमने का शौक है मुझे, तो वहां से मुझे पत्तों को, पहाड़ों को, बर्फ से ढके पहाड़ जो है वो हमेशा एक अजीब सा एक फीलिंग देते हैं अंदर, एक नॉस्टैल्जिया आता है और एक लॉन्गिंग टाइप का जो होता है कि आपको लगता है यार जैसे मेरा कुछ छूट गया है या मुझे कुछ कहीं मिलेगा, तो एक वैसा कुछ अजीब सा रहता था मुझे बचपन से, तो वो संगीत में फिर ढलने लग गया वो चीज़। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, सॉरी बीच में मैंने जी पूछा, कि फैमिली में जी कोई था जिसका म्यूजिक की तरफ लीनिंग थी, फादर मदर घर में कोई? सबसे ज्यादा वैसे मेरे बड़े भाई साहब जो हैं जी वो भी गाने गाते थे और संगीत में बहुत शौक था, लेकिन वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले गए, ब्यूरोक्रेट बन गए, एंड और घर में वैसे मतलब मुझे कभी डिस्करेज नहीं करते थे, जो जैसे मैं कहीं बाहर से आता था कॉलेज में और फिर दोस्तों से मिलके और फिर अपने रूम में बैठ के एक एक दो दो घंटा बैठ के गाने गाना, तो मुझे कभी घर में ना डिस्करेज नहीं करते थे, हमेशा बोलते थे भाई गाना गा रहा है इसको डिस्टर्ब मत करना, फिर ये तो अपने मजे ले रहे। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर थे राणा कृष्ण सिंह, जी वो बहुत बढ़िया गाते थे वो भी, लेकिन बहुत वो भी ब्यूरोक्रेट थे अपने टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल पोजीशंस पे रहे वो, बहुत पुरानी बात है 1950s में 40s में, जी और लेकिन वो बहुत अच्छा गाते थे, मतलब सेमी क्लासिकल ओके ठुमरी ये सब, दादरा गाना
घर में बैठ के ध्रुपद शायद, और लेकिन वो बहुत एक वैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, और उनका हमेशा ये रहता था कि संगीत जो है वो अपने लिए होना चाहिए, अपनी आत्मा के लिए होना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होना चाहिए, इसको कमर्शियल ना बनाए तो अच्छा है। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बंद कमरे में गाते थे, या एक दो दोस्तों के साथ कभी गाया, कभी भी घर से बाहर गाना जो था वो एकदम मना था, वो खुद भी नहीं करते थे। और जब तक वो रहे, घर का कोई भी बच्चा स्टेज पर नहीं गाएगा, वो बोलते थे अपने लिए गाओ, घर में गाओ, जितना गाना है गाओ, पर इसको कमर्शियल नहीं करना और इसको लोगों के लिए नहीं गाना, मतलब बिल्कुल। तो उस जमाने में तो वो बात मुझे हमेशा असर भी करी है, क्योंकि मैंने बहुत वक्त तक, जब तक मैं ये प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बना, क्योंकि जमाना बदल गया और उसमें फिर मुझे लगा कि मुझे मेरी इनकम हो सकती है, पैसा कमा सकता हूँ, आई कैन मेक इट अ सोर्स ऑफ लिविंग एट द सेम टाइम परस्यूइंग माय पैशन। लेकिन उनकी जो ये बात थी कि जो संगीत होता है वो सुकून और आत्मा के लिए होता है, वो बहुत वक्त तक उनकी जो ये बात थी मेरे जहन में रही। और जब भी मैं ये पहाड़ों में घूमता था ऊपर, तो मेरा हमेशा ये रहता था कि अगर चार लोग इकट्ठे हो गए जिसमें मैं जानता नहीं हूँ लोगों को, तो फिर मैं गाने में इंटरेस्ट नहीं करता था, फिर मैं खामोश रहूंगा। लेकिन सिर्फ जब अपने खास दो चार मित्र होंगे तब आदमी आंख बंद करके, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आदमी गाना गाता है तो वो एक तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहा है इमोशनली। और आई डोंट नो, मतलब ये बात आप जैसे समझेंगे जरूर यार सुनने वाले जो हैं, क्योंकि वो गाना गाना जो है वो एक इमोशनल चीज होता है, बिल्कुल ना, उसमें चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, आंखों का अंदाज बदल जाता है। और जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे राजस्थानी मैंने देखे हैं फोक म्यूजिशियंस, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और पके हुए चेहरे होते हैं, यू नो डेजर्ट में रहे हुए लोग हैं, टफ लोग होते हैं, रफ। लेकिन जब वो लोग संगीत गा रहे हैं अपना राउंड हत्ते के साथ, जब फोक म्यूजिक गाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी जो है और रफ आदमी है, टफ आदमी है, एकदम पका हुआ चेहरा है, उसका चेहरा जो होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है और वो कहीं और दुनिया चल जाता है ना? चाहे वो स्पिरिचुअल गाना हो, भजन हो, चाहे प्रेम का गीत हो या बरसात का गीत हो, तो वो एक इमोशनल जो उसमें एक आदमी यू नो दिखता है, मतलब सामने बैठे वाले को आपका इमोशन आपके चेहरे पे दिख जाता है। तो हमेशा से मुझे कुछ का बड़ा वो लगता था कि यू नो आई वांट टू कीप इट टू मायसेल्फ, जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि माहौल एकदम वैसा है कि जहां पर मैं अपना ये वैसा विदाउट एनी इनहिबिशन। मोहित, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, म्यूजिक और आप नेचर की बातें कर रहे हैं, बारिश हो रही है, चारों तरफ पेड़ पर पत्ते हैं, पत्तों पे बूंदे हैं, और वो मुझे अपना वो कॉलेज के दिनों का गाना याद आ रहा है जो उस वक्त में आपका सुपर हिट हुआ था। मेरे ख्याल से वो पहला सुपर हिट सॉन्ग था, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डूबा डूबा रहता हूँ। और जी, 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 मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अपनी बेसुरी आवाज में मैं गाने की कोशिश करता था, पर अच्छा। मुझे क्या तो गाइए ना, आज भी कोशिश कर लीजिए, आज तो मौसम बहुत बढ़िया है। मुझे क्या पता था एक दिन मैं खुद मोहित के साथ बैठा हूंगा और मोहित मुझे मैं गाना गाऊं, मैं न्यूज तो पढ़ सकता हूं अभी आपके लिए। नहीं नहीं, न्यूज तो आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं और मैं देखा भी है, बहुत अच्छा न्यूज पढ़ते हैं आप। मुझे दरख्वास्त है आपसे जी, डूबा डूबा दो लाइन मेरे लिए। जी हाँ बिल्कुल गाता हूँ जी, बिल्कुल। तो नेचर से हमारा मेरा ऐसा कुछ कनेक्शन रहा कि जो पहला हमारा एल्बम आया था सिल्क रूट, जो बैंड था हमारा, राइट, जिसका ये डूबा डूबा पहला वीडियो आया था एल्बम का, तो उस एल्बम का नाम था बूंदे और उसमें गाना भी था बूंदे। फिर दूसरा गाना था डूबा डूबा, फिर उसमें एल्बम में एक गाना था ठंडा पानी। फिर एक और गाना था जिसका नाम था गंगा नहाले, और एक और गाना था जिसका नाम था मुंबई। तो ये कोइंसिडेंस है बहुत बड़ा, क्योंकि जब हम लोग ये गाने बना रहे थे मैं और मेरे बैंड मेंबर जो थे केम और अतुल जी, तो ये हमने कभी सोचा नहीं कि ये पूरा
पानी से कनेक्टेड है, यू नो, हर गाना, मतलब ऑलमोस्ट हर गाना एक्सेप्ट फॉर वन और टू सॉन्ग्स, जबकि एक गाना है सौजा जो कि माउंटेन्स के बारे में है, तो उसमें पूरा नेचर का था। तो एक बार हम बहुत बड़े कॉन्सर्ट में गए थे बैंगलोर, वहां हमने ये 3-4 गाने गाए थे और उसमें काफी 9-10 आर्टिस्ट थे उसमें, एक्चुअली इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी थे, लेकिन 10 आर्टिस्ट थे शायद 10-12, लेकिन शुरू के ना 3-4 आर्टिस्ट के बाद ही कॉन्सर्ट बंद करना पड़ा, क्योंकि हमने स्टेज पे चढ़ गए, मौसम थोड़ा खराब था, हमने डूबा डूबा गाया, फिर गाया गंगा नहाले, फिर गाया बूंदे, तो इतनी जबरदस्त बारिश आई कि वो पूरा इवेंट कैंसिल हो गया था। तो बाद में लोग हमको बोल रहे थे कि ये सिल्क रूट की गलती है, सिल्क रूट ने इतने पानी पे गाने गाए कि बरसात होगी और पूरा इवेंट कैंसिल हुआ। मेघ मल्हार गाया आपने। जी हाँ, तो मैं आपको डूबा डूबा की दो लाइनें सुना देता हूँ। जरूर। डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं, तू आजा ना जा बेवफा, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। क्या बात जी, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही खूब। मोहित, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आजकल म्यूजिक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप इस विधा के एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, कई बार पुराने गानों को रिमिक्स किया जाता है, नई बीट्स जोड़ दी जा रही हैं, उसके ओरिजिनल गाने के बदले एक नया गाना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं ये? मतलब आई एम सॉरी टू यूज दिस बिकॉज मैं न्यूज का आदमी हूँ, तो इज इट क्या ये आलसीपन है म्यूजिशियंस का, या वाकई में म्यूजिक का इवोल्यूशन हो रहा है जैसा कि कई लोग कहते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है द बिजनेस, यू नो, द मनी पार्ट, यू नो, म्यूजिक का जो बिजनेस पार्ट है, राइट, ये उसका नतीजा है, और एक आलसपन भी है जो संगीतकार जो है वो दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ टू मेक सॉन्ग्स जो कि उस लेवल के हों, क्योंकि उस लेवल के गाने बनाना जो है जी. जो वो पुराने आरडी साहब के गाने हैं और बहुत सारे जो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन दिनों के, वैसे गाने बनाने जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है एक्चुअली, और खाली धुन बनाना भी नहीं होता, धुन के साथ साथ में उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो बनाने आज की डेट में जो है ना वो बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन दिनों एक तो बहुत सारा, मतलब 100% म्यूजिक लाइव हुआ करता था, राइट, और उसमें जो पकाशन है, उसमें जो मैंडोलिन बज रहा है या गिटार बज रहा है, सितार बज रहा है, फ्लूट बज रही है, वो सब ऑर्गेनिक होता था, लाइव म्यूजिशियंस स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करते थे और मास्टर म्यूजिशियंस होते थे, उनके अरेंजर्स जो होते थे, कंडक्टर्स, वो भी गुरु लोग थे, और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो गुरु है ही हैं, तो उस लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आलस भी है चीज के, लोग आजकल मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा हम करें कि जिसके व्यूज बढ़ जाएं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग व्यूज खरीद के लिए पैसा देते हैं और व्यूज बढ़ा लेते हैं अपने, और फिर दुनिया को बोलते हैं देखिए हमारे गाने के इतने मिलियन व्यूज हैं, इतने मिलियन व्यूज हैं, लेकिन उस गाने को याद करने वाले को कितने लोग हैं उसकी फिक्र नहीं करते हैं। तो बहुत सारे गाने हैं जो आदमी एक बार सुनता है, नेक्स्ट टाइम आप कभी सुनोगे नहीं, लेकिन उसके 100 मिलियन व्यूज करेंगे उन्होंने यूट्यूब पे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, पैसा बढ़ जाएगा, पैसा आ जाएगा यूट्यूब से, कम से कमाई हो जाएगी। तो जैसे बहुत पुराना कोई गाना है जिसका कोई फेमस हुक है जैसे, या उसका उसका बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर है, तो
अभी क्या करते हैं लोग कि उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं, कुछ रैप कर देते हैं, कुछ और चीज में ड्रम बीट डाल देते हैं या रॉक बीट डाल देते हैं, तो ना तो वो पुराना फ्लेवर रहता है और नया कुछ वैल्यूएबल उसमें ऐड होता नहीं है म्यूजिकली. तो वो मुझे लगता है लोग एक ही रीजन के लिए करते हैं, वो है पैसे के लिए, कि उसको व्यूज बढ़ाएं और उसमें आगे नाम हो जाएगा कि जी हमारे गाने के इतने व्यूज हैं. क्योंकि आज की डेट में ना जब भी लोग म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, तो हमेशा यही बोलते हैं कि सर आपने मेरा गाना सुना है उसके इतने मिलियन व्यूज हैं. तो भाई व्यूज तो ठीक है, लेकिन वो गाना तो मैंने सुना नहीं आज तक कभी, और ना ही किसी को मैंने उसका जिक्र करते हुए सुना कि आप वो गाना गुनगुना दीजिए या वो गाना आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है. कोई बात नहीं करता, लेकिन वो व्यूज की बात करते हैं. तो बेसिकली इट्स अ बिजनेस थिंग. आपके पास ऐसा ऑफर आया तो मानेंगे? मेरे पास ऐसा एक ऑफर आया था और मैंने मना कर दिया था. हाँ, एक बहुत किशोर कुमार साहब का एक बहुत मशहूर गाना और बहुत फेमस गाना है. अच्छा. उसको उन्होंने कहा कि आप इसको रीमेक करना है तो आप गा दीजिए. अच्छा, ये लोग दूसरा क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा मशक कली गाना. जो मेरा गाना है मशक कली, रहमान साहब का बनाया हुआ, राइट, उन्होंने उसका रीमेक किया है. तो रीमेक में उन्होंने लिरिक्स भी बदल दिए उसके. तो या तो आप नया गाना बना लीजिए, यू नो, या फिर पुराने गाने को रहने दीजिए. अब पुराना गाना है, नाम भी उसका मशक कली है, लेकिन लिरिक्स बदल चुके हैं, लिरिक्स कुछ और बोल रहे हैं, उन लिरिक्स का मशक कली गाने से कोई लेने देना नहीं है. तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है और ये संगीत सुनने वाले जो हिंदुस्तान के जो हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है, यू नो, बिकॉज हम लोग, इतनी हमारी जनता है हिंदुस्तान की हु हैज ग्रोन अप लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द 50s, 60s, 70s, जो हमारा गोल्डन ईयर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, जिन दिनों मोहम्मद रफी साहब या मुकेश जी, किशोर कुमार साहब और इतने बड़े जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स और मूवीज जो आई उन दिनों, और उनमें कहानियां क्या होती थी, गाना क्या होता था. तो जिसके बेस पे आज हम बहुत प्राइड महसूस करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में इतनी बढ़िया फिल्में बनी हैं पहले. तो उस संगीत पे जो सुन सुन के जो लोग बड़े हुए हैं उनके लिए नाइंसाफी रहती है, मुझे ऐसा लगता है. और जो नए बच्चे हैं वो भी उन गानों से खास अट्रैक्ट नहीं होते हैं, यू नो, क्योंकि म्यूजिकली तो वो कंफ्यूजन है उस गाने में. मतलब ना वो मसकली का ग्रूव है, ना उसमें रैप प्रॉपर है. रैप में जो बात कही जा रही है कई बार वो भी कुछ अजीब सी रहती है, सीरियस नहीं रहती है, कुछ बहुत ही सरफेस वाला मामला रहता है, बहुत ही हल्की चीज कही जा रही है. तो वो फिर जो रियल के रिस्पॉन्स होते हैं उनके दिल को नहीं छू पाती होती. लेकिन मोहित, आप किशोर दा के फैन हैं, मैं भी किशोर दा का फैन हूँ. इतने सारे गाने किशोर कुमार के हैं, उनमें से आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं उनके, जो मेरे मतलब उनके जो गाने हैं बहुत बहुत सारे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है. उनकी आवाज का जो टिम्बर है, टोन जो है, और किशोर कुमार साहब जो थे वो वैसे बंगाली थे, बांग्ला थे, लेकिन उनकी जो हिंदी प्रोनंसिएशन है गानों में जी, उसको जब आप सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि हिंदी शब्द का प्रोनंसिएशन इतने प्यार से करना, इतने खूबसूरती से करना, तो उनके गानों में तो वो महारत नजर आती है. और साथ में ऐसा नहीं है कि टेक्निकल महारत है, और किशोर कुमार साहब ने भी संगीत नहीं सीखा था वैसे. उनके बारे में यही बात सुनने में आती है कि उन्होंने संगीत का भी नहीं सीखा, लेकिन मस्ती में घर में गाना और सुनना, संगीतकार जो आते हैं, और बचपन से शौक था. तो उनके तो बहुत बहुत सारे गाने उनके मुझे पसंद है, मुझे पसंद है बहुत. क्योंकि एक एक गीत है उनका जी, बारिश पे, मैं देखिए मैं भी मिस कर रहा हूँ, मंजिल फिल्म का गाना है, अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पे, रिमझिम गिरे सावन. बहुत प्यारा गाना है वो भी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पूरा बारिश के मूड में हूँ आज. तो वो रिमझिम गिरे सावन जो है आपने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू जी जी. आप, और बल्कि ये गुनगुनाएंगे? सॉरी, मैं अपनी लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहा हूँ. नहीं नहीं, और कुछ और गाएंगे ना बाद में. हाँ हाँ, कुछ अच्छा, और गाएंगे. मेरे प्रोड्यूसर ने एक सवाल अभी तुरंत लिख के दिया मुझे, उसे आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप म्यूजिशियन नहीं होते तो वाकई में आप जियोलॉजिस्ट होते क्या, या कुछ और कर रहे होते, क्या सोचा था आपने? हाँ,
ये सवाल भी जहन में आता है कई बार, लेकिन सोहेल भाई मेरा ना कभी प्लान बी रहा नहीं है एक्चुअली। जब मैं पहाड़ों से दिल्ली आया कि भी चलो कुछ काम करूंगा, तो संगीत में शुरू में जैसे कुछ कमर्शियल काम किया, जिंगल्स बनाए, एडवर्टाइजिंग का काम किया, फिर उसके बाद बैंड शुरू हो गया सिल्क रूट और पहला एल्बम बहुत बड़ा हिट हुआ, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सर्ट किए। तो कभी कभी कोई लोग बोलते थे कि यार कल को अगर गाना ना चले या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, मतलब ऐसा कुछ था। तो मैंने कभी ना प्लान बी सोचा ही नहीं एक्चुअली, प्लान बी था नहीं। लेकिन ओके कभी कभी मेरे जहन में आता है कि अगर मैं सपोज म्यूजिशियन नहीं होता, मतलब म्यूजिशियन तो मैं हमेशा जिंदगी भर रहता, लेकिन प्रोफेशनली अगर नहीं करता अगर, तो राइट शायद मैं कुछ ऐसा काम कर रहा होता जैसा जो मुझे नेचर के पास रखता या हिमालय के पास में रखता, माउंटेन्स में रखता। तो कई बार मुझे लगता है कि मैं ऑर्चर्ड ऊपर कुछ ऑर्चर्ड चलाता, एप्पल ऑर्चर्ड चलाता, या अच्छा कुछ यू नो आई डोंट नो शेपर्ड शेपर्ड बन जाता है, यू नो भेड़ बकरियां चराता और एक सिंपल लाइफ, एक छोटे घर में और सुंदर नजारा है और वहां बैठ के अपना संगीत कर रहे हैं और खूब सारे यू नो भेड़ बकरियां हैं, डॉग्स हैं, घोड़े हैं। तो ये वो ख्वाब में कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं, क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे मुझे एनिमल्स से बहुत लगाव रहा है बचपन से, और मुझे उनके लिए बहुत मोहब्बत रहती है, दिल में दर्द रहता है। मुझे नेचर को देख के हमेशा इंस्पिरेशन रहता है। मुझे बहुत दुख होता है कि कहीं मैं देखूं अगर नदी हमारी कुछ खराब हो रही है या पोल्यूशन हो रहा है, या बहुत सारे जब टूरिस्ट आते हैं तो बहुत सारा कूड़ा कूड़ा करकट हो जाता है, लिटरिंग होती है, तो बहुत दिल में बड़ी परेशानी होती है मुझे, क्योंकि मैंने नेचर को बहुत खूबसूरत नजारों में देखा है। तो मैं कुछ भी काम कर रहा होता तो नेचर के नजदीक वाला होता। तो अगर मुझे सरकार नौकरी दे देती तो शायद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी चला जाता, क्योंकि मैंने MSc करी थी और मैं अभी सर्वे सर्वे कर रहा होता ग्लेशियर्स पे। आपकी आवाज से समझ में आता है, जो भी आपको शायद नहीं जानते होंगे, कि आप बहुत ही जी सरल स्वभाव के आदमी हैं, दिल के सच्चे जी आदमी जी हैं। इतनी साफ सुथरी आपकी आवाज़ है, आपकी पर्सनल शख्सियत है। तो जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं आपको। जैसे थे वैसे हैं, कम से कम 20 साल से तो मैं आपको देख ही रहा हूँ किसी ना किसी बहाने से। जी और हो सकता है बल्कि जी मैं एनिमल्स की बात कर रहा था, तो जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे घर के पास में एक एरिया है, फॉरेस्ट है, वहां पर बहुत सारे डॉग्स रहते हैं यहाँ दिल्ली में ना, साउथ दिल्ली में। तो हाँ हमने किसी ने कहा भाई वहाँ शायद डॉग्स हैं, और कोई इंसान तो अंदर जाते नहीं है, वहां पर जंगल का एरिया है, वैसे वॉकर्स जाते हैं नॉर्मल टाइम्स में, पर अभी कोई जाता नहीं है, तो बहुत सारे छोटे पपीज हैं, डॉग्स हैं, गायें भी होती है बहुत सारे। तो हमने उनको फीड कर खाना खिलाना शुरू कर दिया उधर, डॉग्स को और जितने भी एनिमल्स वहाँ मिलते थे हमको, क्योंकि डॉग्स जो है बेचारे जंगली जानवर तो अपना खाना ढूंढ लेते हैं, डॉग्स बेचारे ढूंढते रहते हैं कभी इधर उधर इंसान जो उनको देते हैं खाना। तो हमने एक मूवमेंट शुरू किया था, एक ट्रस्ट भी बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू। और वो जो हमने एनिमल्स का फीडिंग शुरू किया था जी कोविड शुरू होने पे, वो आज तक जारी है। वाह रोज 150 डॉग्स, जो भी वहाँ गायें बिल्ली जो भी मिलता है सबको खाना परोसा जाता है, बहुत और आज भी परोसा गया था, कल भी परोसा जाएगा। तो ये काम शुरू किया, बहुत अच्छा, और वेरी गुड। जी और उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव आया, तो हमने मैंने एक प्रोजेक्ट बजरंगी शुरू किया। बजरंगी हमारे एक जान पहचान के थे, मेरे स्टाफ में काम करते थे, जी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, वो गुजर गए एक दिन रात को ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते, तो ओ बहुत अफसोस हुआ। तो उनके नाम से हमने प्रोजेक्ट बजरंगी शुरू कर दिया, और कोविड रिलीफ तो हम बहुत सारा वो भी डोनेट कर रहे हैं, क्राउड फंडेड वो है बहुत खूब, चीज, तो वी हैव बीन डोनेटिंग। तो ये सब काम करना जो है ये अच्छा लगता है मुझे। और जिंदगी में देखिए कॉम्प्लिकेशन अगर आप करना चाहें तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं अपने आप, लेकिन इट्स बेटर टू लिव सिंपल। और आपका जो फन है, चाहे वो थिएटर है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप कंपोजर सिंगर हैं, जो भी आप करते हैं अपने काम में पूरा पैशन के साथ आप जुड़े, लेकिन लाइफ जो है अपनी उसको सिंपल ट्रांसपेरेंट रखें, तो मेरे ख्याल से भी जीना जो होता है ना वो सुकून
सुकून आता है जीने में। hmm. तो मेरी फिलॉसफी हमेशा वही रही है कि कीप इट सिंपल ब्यूटीफुल, और अपना जो पैशन है उसमें पूरा अपना आत्मा से उसको जोड़े, यू नो, तो आदमी फिर कहीं ना कहीं चलता है सफर पे और कहीं पहुंचेगा। ग्रेट ग्रेट मोहित, मोहित वक्त की कमी है, मैं आपसे इजाजत देना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते आप अपना कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग अगर आप सुनाना चाहें, गाना गुनगुनाना चाहें, दो लाइनें ही सही, तो जस्ट टू से लव यू टू योर ऑल द फैंस हु आर लिसनिंग टू यू। ठीक है, ठीक है, मैं गुनगुनाता हूँ। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, मेरे दिल सुना कोई कहानी, चांदनी सुहानी, मेरे दिल सुना कोई कहानी। जी थैंक यू मोहित, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया एबीपी पॉडकास्ट के लिए। हमारा ये सफ़र बहुत ही हसीन कटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी का ये सफ़र आपका और भी हसीन कटे और आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे नेक काम करते रहें, और आपको खूब सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं और हिंदुस्तान की तरफ से ढेर सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट विशेस टू यू, एंड प्लीज स्टे सेफ, और फिर मिलेंगे। और जरूर मिलेंगे, और अगली बार अगर ऐसा ही मौसम रहा और मिले, फिजिकली मिले, तो पकौड़े भी खाएंगे। थैंक यू सो मच। पकौड़े भी खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। जरूर जी, जरूर जरूर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू मोहित, थैंक्स, थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।